कितना टाइम हो गया तुम लोगों को? मेहमान आने वाले हैं और तुमसे अभी तक काम ही खत्म नहीं हुआ। मैम साहब, हम काम तो कर रहे हैं, आपके मेहमान आने से पहले ही हम काम खत्म कर देंगे। वो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मैम साहब। और हाँ, इसको बोल दो ये मेहमानों के सामने ना आए। ठीक है मैम साहब, ये मेहमानों के सामने नहीं आएगा। मैम साहब, हमने सारा काम कर दिया है। अभी तक मेहमान आए नहीं, बहुत टाइम लग गया। मैंने तुझसे बोला था ना, मेरे मेहमानों के सामने मत आना। लेकिन मैम साहब, अभी तो मेहमान आए भी नहीं है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, जाए यहाँ से। जाओ तुम नाश्ते की तैयारी करो, मैंने अंदर लेकर आती हूँ। आइए सर आइए। बेटा बहुत भूख लग रही है, मैंने जो तुझे खाने का टिफिन दिया था वो कहाँ है? वो तो मैम साहब के कमरे में रखा है। अंदर रखने की क्या जरूरत थी, अंदर तो मेहमान बैठे हुए हैं, चल लेकर आ। मुझे मैम साहब ने अंदर आने के लिए मना किया है। मुझे नहीं मालूम तूने टिफिन कहाँ रखा है, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए तू लेकर आ। मैडम बहुत मारेंगी मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं बोल दूंगा उन्हें, और फिर तेरी गलती है, तुझे टिफिन वहाँ नहीं रखना था। देखिए सर, इस बार कंपनी का टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। हाँ, ये काम तो हमारे हाथ में है, हम करा देंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ दावत पर बुलाया है। लेकिन यहाँ की दावत से काम नहीं चलेगा। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए जो भी नंबर दो का प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा बराबर हो। ए, बिल्कुल पागल है क्या, तेरे भेजे में दिमाग नहीं है? मैंने तुझसे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मैम साहब, वो मेरा खाने का टिफिन रह गया था। अब तू अपना गंदा टिफिन मेरे VIP रूम में रखेगा? गलती होगी मैम साहब। जिस काम के लिए तुझे मना करो तू उसी काम को करता है। अरे मैडम छोड़ दीजिए, बच्चा ही तो है। ये बच्चा नहीं है, मनहूस है। चलो छोड़ो इसे, काम की बात करते हैं। मैडम मैं बाहर घूम कर आता हूँ, जब तक आप लोग बात कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप ही का घर है, कहीं भी घूमिए। ओके मैम। साहब जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब बोलिए। मैडम इस बच्चे से इतनी नफरत क्यों करती हैं? नौकर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। साहब ये बात सुनकर आप चौंक जाओगे, ये मैम साहब का भाई है। क्या, ये मैम साहब का भाई है, वो भी ऐसी हालत में और इतनी नफरत करती है इससे? ये सौतेला भाई है क्या उनका? नहीं साहब, ये मैम साहब का सगा भाई है। फिर मैडम इससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बहुत दर्द वाली कहानी है साहब, मैम साहब इसे मनहूस समझती हैं। ऐसा क्यों? साहब जब ये पैदा हुआ था, इसके पैदा होते ही इसकी माँ गुजर गई, और कुछ घंटों बाद इसका बाप भी मर गया, जब इसे मैम साहब इससे नफरत करती हैं, और किसी भी शुभ काम में इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? तुम एक काम करो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, जब तक मैं इससे बात करता हूँ। देखो बेटे, इस तरह तुम जब तक नौकर बनकर रहोगे तो रोज अपनी बहन की नफरत का शिकार बनोगे, और इस तरह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो मैं क्या करूं साहब जी? तुम कुछ ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारी बहन को तुम पर गर्व हो, और उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैं तुम्हारी हर कदम पर मदद करूँगा, और तुम जरूर एक दिन कामयाब इंसान बनोगे। ठीक है साहब, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, अब इस तरह की जिंदगी में और नहीं जी सकता। तेरे मेरे बीच में जो बात हुई है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैडम 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 मैडम, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ हुआ भी है या फिर ऐसे ही गला फाड़ रहे हो? मैम साहब वो बच्चा आपका भाई कल से गायब है। तो
मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो उस मनुज के बारे में? मैम साहब वो है तो आपका भाई। मेरा भाई मत बोलो उस मनुज को, चाहे वो कहीं भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पैदा होते ही वो मेरे माँ बाप को खा गया। लेकिन मैडम फिर भी आपके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन? अब चला गया ना वो, ऊपर वाले से दुआ करो कि वो लौट कर ना आए। मेरे हर शुभ काम में वो अपनी शकल दिखाकर अपशगुन कर देता था। अच्छी बात है मैडम। अच्छा सुनो। जी मैडम। उसकी थाने में कंप्लेन दर्ज करा देना ताकि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। जी मैडम। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर, मेरा टेंडर कैंसिल कैसे हो गया और मेरी डिपॉजिट की हुई रकम वो भी जब्त कर ली। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है कंपनी के ओनर ने किया है। लेकिन ऐसा क्यों? मेरी तो आप लोगों से पहले ही बात सेट थी ना। हमें नहीं मालूम था कि इसमें मालिक आकर इंटरफेयर करेगा और उसने आपकी सारी चालाकी और गड़बड़ी पकड़ ली। और तो और मैडम मेरी नौकरी भी खतरे में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से ये नौकरी बची है मेरी। लेकिन इस तरह बीच में टेंडर कैंसिल करने का क्या मतलब हुआ? आपने ही कुछ किया होगा। ए लड़की मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर, पार्टी में बुलाकर थोड़ा बहुत खर्च क्या कर लिया, तूने सोचा हमें खरीद लिया? ठीक है मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं पता। पैसे तो आपको वापस नहीं मिल पाएंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेंडर था, इसमें मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दाव पर लगा दी, अपना कारखाना, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी। अब मेरे पास सिर्फ मेरा घर बचा है। ये सब तो आपको पहले सोचना था मैडम। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं आप पर केस करूंगी। मुझ पर केस करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो मालिक पर केस करके दिखाओ। ठीक है तो अब मैं इस कंपनी पर केस करूंगी। तुमसे इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने आप को और मुसीबत में डाल दोगी। कैसे? ये समझ लो तुम्हारा घोटाला भी पकड़ा गया है और उसकी सजा अभी तुम्हें मिलनी बाकी है। अगर तुम केस करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो हो सकता है तुम जेल जाने से बच जाओ। मैम साहब क्या हुआ? तुझे बताऊं मैं क्या हुआ? फिर भी मैडम इस तरह रोने की वजह? वजह जानकर तू क्या करेगा, बस इतना समझ ले मेरे पास कुछ नहीं बचा, सर छुपाने के लिए ये छत बची है बस। लेकिन मैडम अचानक इतना सब कुछ कैसे हो गया? तू यहाँ से चला जा और मुझे अकेला छोड़ दे, और हाँ अपनी कहीं और दूसरी नौकरी ढूंढ ले। लेकिन मैम साहब अचानक ये सब कैसे हो गया, अब तो आपका मनुष्य भाई भी आपके पास नहीं है। अब तो कुछ ज्यादा ही जवान चला रहा है, जा यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ मैम साहब, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका भाई ना मनुज नहीं था। मैम साहब वो आपके घर में जब तक था जब तक आपके लिए लकी था, और मैम साहब उसके जाते ही आप बर्बाद हो गए। अच्छा अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। मेरा एक ही सहारा था, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। ये रही वो लड़की, गिरफ्तार कर लो इसको। ये सब क्या हो रहा है, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैडम हम ना तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, मालिक ने तुम पर केस किया है, तुमने ना कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया है। लेकिन इसकी सजा तो मुझे मिल गई है, टेंडर की जमा की हुई रकम उनके पास है। मैडम उस रकम पे ना आपका कोई अधिकार नहीं है, और अभी तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगी? और सुनो मैडम एक बात, ये तुम्हारा घर है ना, कल को इस पर भी ताला लग जाएगा। नहीं ऐसा मत करो, वरना मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मैडम भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो तुम वैसे भी जेल में रहोगी, और तुम्हारी ना जमानत कराने वाला नहीं है कोई, फ्री के टुकड़े तोड़ना तुम जेल में। जवान संभाल के बात करो। अभी भी जो अकड़ तुम्हारे अंदर बाकी है ना, वो सारी थाने में निकल जाएगी। तुम चलो हमारे साथ थाने, वहाँ पर तुम्हारा ना महिला कॉन्स्टेबल इंतजार कर रही है। हाँ सर बताइए मुझे क्यों बुलाया? आपकी जमानत हो गई है। मेरी जमानत करवानी कोई मामूली बात नहीं है, जरूर कोई वो बड़ी हस्ती होगी जिसने मेरी जमानत करवाई है, लेकिन मेरे लिए ऐसा करेगा कौन? मैडम वो आपका अपना ही होगा। अरे मैडम आपने मेरी जमानत करवाई है? वो मैं नहीं मैडम, मेरे बॉस हैं। कौन है वो महान इंसान, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ नहीं मनुष हूँ। तुम इतने पैसे वाले हो गए? हाँ दीदी मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों क्यों करवाई तुमने मेरी जमानत, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया था। हाँ मुझे सब याद है, आप बड़ी बहन होने का फर्ज भूल गई, माँ बाप को गुजर जाने के बाद आपको मुझे ही पालना था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। तुम मुझे यहीं छोड़ दो जेल में सड़ने के लिए, मैं इसी लायक हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। मैडम आप बीती बातों को भूल जाइए, और ये आपका भाई कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत बड़ा करोड़पति है, आप इनके साथ घर जाइए। सुनो इंसान ना किसी भी परेशानी में हो उसे ना अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए,
बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। चलो अब जाओ यहाँ से, और ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भाई के साथ ऐसा करते हुए देख लो तो उससे मना कर देना, ताकि ये दिन देखना तुम्हें आज पड़ रहा है ना, ये किसी और को देखना ना पड़े।